बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म धूमकेतु को लेकर काफी चर्चा बटोर रहे हैं, लेकिन अब एक और वजह से नवाज सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल देश भर में कोरोना की मार पड़ रही है। कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख के पास पहुंच गई है। कोरोना की मार बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर भी पड़ी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। दरअसल नवाज अपने परिवार के साथ ईद मनाने के इरादे से 11 मई को अपने घर मुजफ्फरनगर आए थे। सरकार से परमिशन लेकर नवाज ने ट्रेवल किया, लेकिन घर पर पहुंचते ही स्थिति को देखते हुए परिवार के साथ नवाज को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट भी हुआ। हालांकि खुशी की बात यह है कि पूरे परिवार की रिपोर्ट नेगेटिव आई। दरअसल यह एहतियात के तौर पर लिया गया कदम था। नवाजुद्दीन के साथ साथ उनके भाई, भाभी और मां को क्वारंटाइन किया गया है। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। खासकर मुंबई के धारावी को तो हॉटस्पॉट भी बनाया गया है। ऐसे में मुंबई से यूपी के मुजफ्फरनगर आना नवाजुद्दीन के लिए काफी रिस्की रहा होगा। यही वजह है कि एहतियातन पूरे परिवार के साथ नवाज को क्वारंटाइन कर दिया गया।